हेलो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं झकास भारत। और देखिए आज शिक्षक का भर्ती जो धरने पर बैठे हैं, आज दसवां दिन है इनका और अभी भी इसमें कितना जोश और जुनून है, इनके उस चेहरे पे देखिए उत्साह है। और ये शिक्षक अभी छूटने वाले नहीं है, उठेंगे नहीं जब तक नहाने की सुध नहीं, वस्त्र का सुध नहीं, ठान कर आए हैं। हालत बेसुध है लेकिन जज्बा एक है, उठने का तो सवाल ही नहीं है। ये तमाम आप देख रहे हैं फोटोज के जरिए जो शिक्षक अभ्यर्थी बैठे हैं इस धरना स्थल पे। दूसरे ही दिन आपको मालूम होगा कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, लेकिन ये शिक्षक अभ्यर्थी उठेंगे नहीं यहाँ से। आप देखिए ये सभी जो है बीएड डीएलएड करने के बाद पीजी पीएचडी करके बैठे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, और कोई किन्हीं में देखिए किसी के चेहरे पे। आज हम लोग लगातार यहाँ पे जो शिक्षक अभ्यर्थियों का कवरेज कर रहे हैं, तो 10 दिन से लगातार जो है झकास भारत कवरेज कर रहा है इसका। और ये शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ से उठेंगे नहीं इसलिए क्योंकि जब तक सरकार इनसे वार्ता नहीं करती है और सफल वार्ता नहीं होती है, ये जो सोच क्या है ठान क्या है तब तक पूरा नहीं होता, तब तक ये शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ से उठेंगे नहीं। इनका एक ही मांग है, ओपन कैंप के जरिए इनकी बहाली हो और बहाली करवा के योगदान करवा दिया जाए, फिर इनकी सर्टिफिकेट की वैधता को जिसकी जाँच करनी है करते रहे। सरकार से इनकी एक ही मांग है। आप देख रहे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अभी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, बिहार के तमाम जिला से लोग आए हैं यहाँ पे, और सभी के चेहरे पर देखिए कितना जोश जुनून उत्साह है। 10 दिन हो गया है लेकिन लग रहा है कि आज धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। हमारे और अभ्यर्थी भी आ रहे हैं। हम सर इस शिक्षक अभ्यर्थी से बात करने से ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर के पिछले विगत वर्षों से सरकार से जो है पत्र के जरिए और धरना प्रदर्शन के जरिए बातों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं इनकी बातों को। तब जा करके विवश होकर करके इनको जो है यहाँ पर आंदोलन का रास्ता चुनना पड़ा है। ये रास्ता इतना आसान नहीं है अभ्यर्थियों के लिए, बहुत ही कठिन है, क्योंकि ये देखिए विद्यालय में जो है शिक्षकों की कितनी कमी है और जो बच्चे हैं हमारे वो शिक्षकों की राह देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं अच्छे शिक्षकों की। और देखिए आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों से देखिए, अभी हम लोग ने बात किया जा करके उन शिक्षक अभ्यर्थियों से, देखिए जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, 2 साल से चल रहे शिक्षक बहाली प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करो, इनकी एक ही मांग है ओपन कैंप के जरिए इनकी बहाली हो। और जो शिक्षक अभ्यर्थी है वो सोच क्या है, बीटेड सीटेड करे पुकार, शिक्षक बहाली करे सरकार, और सभी एक से बढ़कर एक स्लोगन लिख करके लाए, हम शिक्षक अभ्यर्थियों का एक पुकार, शिक्षक बहाली पूर्ण करे सरकार। और ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं पूरी योग्यता रखते हैं, एनसीटी के तहत जो पूरे मानक है उनके अर्हताएँ रखते हैं, और ऐसे नहीं सरकार से मांग रहे हैं सर्टिफिकेट दिखा करके नौकरी नहीं मांग रहे हैं, इनके पास पूरी अर्हताएँ हैं जिस गाइडलाइन के जरिए निकाली गई थी इनकी बहाली प्रक्रिया, और आज इनको अंधेरे में रखा गया है इन अभ्यर्थियों के। किनके घर में चूल्हा जल रहा नहीं जल रहा, इनके प्राइवेट नौकरियों को भी सरकार खा गई है। तो इसीलिए शिक्षक अभ्यर्थी का एक ही मांग है कि सरकार वार्ता करे और सफल वार्ता कर कर करके जो है तभी अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी जो है यहाँ पे धरना को समाप्त करेंगे। जब तक इनको इनका हक नहीं मिल जाता तब तक उठने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप किसी से पूछ के देख लीजिए, कोई अभ्यर्थी यहाँ से उठने को तैयार नहीं। 10 दिन हो गया है यहाँ पे, सभी शिक्षक अभ्यर्थी 10 दिन से बैठे हुए हैं, 10वां दिन आज 18 तारीख से लगातार बैठे हुए हैं। इसलिए हमारे कैमरामैन को चाहेंगे दिखाने, पीछे की तस्वीर दिखाइए, पीछे की तस्वीर दिखाइए, हमारे कितने अभ्यर्थी जो अभी आ रहे हैं और कितना उनमें जोश भरा हुआ है सब। देखिए स्लोगन दिखाइए भाई साहब, आप दिखाइए इनको, दिखाइए कैमरे में दिखाइए सामने। ये शिक्षक अभ्यर्थी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के 6ठे चरण जो कि कब का पूरा हो जाना था इसका, और आप मान के चलिए कि ये शिक्षक अभ्यर्थी जो है पिछले 2017 से जूझ रहे हैं, जब से बिहार टेट की परीक्षा हुई थी और बहाली खुलवाने के लिए इन्होंने सड़कों पर आया है, लाठियाँ खाई तब जाकर के बहाली खुला था इनका। और देखिए कि आज अपॉइंटमेंट लेटर लेने के लिए, ज्वाइनिंग लेटर के लिए इनको फिर से धरना पर बैठना पड़ता है, और जो सरकार है बिहार की वो सोई हुई है, इन शिक्षक अभ्यर्थियों की सुन नहीं रही है। तो शिक्षक अभ्यर्थी भी जो है वो डटे हुए हैं, इस कड़ाके की ठंड में भी इनके अंदर गर्मी है, और देखिए तमाम अभ्यर्थियों के चेहरे पे देखिए उत्साह है। वो पटना में उतरते हैं, अभी आप देख रहे होंगे कवरेज करके हम लोग सड़कों पे आ रहे थे, तो जो शिक्षक अभ्यर्थी उनका एक ही लक्ष्य है, गर्दनी बाग कहाँ है। बहुत लोग जो पहली बार धरना में आ रहे हैं उनको एड्रेस नहीं पता है, लेकिन वो गर्दनी बाग आने को लेकर के आतुर है कितना जल्दी से पहुंच सके। और अभ्यर्थी आ रहे हैं, बिहार के 3800 जिला से लोग पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में लोग आ रहे हैं और सरकार से आकर के अपनी मांग को रखेंगे। और आप देख रहे हैं जो हमारा चैनल है झकास भारत, इस 17 जनवरी से लगातार कवरेज कर रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों का। और आप जितने शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फेसबुक पेज पर जो है इसके पेज है उस पर भी आप बात कर सकते हैं और कमेंट के जरिए बता सकते हैं। देखिए कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों से हम बात करना चाहेंगे। और आप कहाँ से हैं मैम? अरवल, अमृता कुमारी। तो क्या लगता है सरकार आपकी मांग को मानेगी? यस, मेरी सरकार एकदम मांग को मांगेगी, क्योंकि हम लोग आज 10 दिन से यहाँ पे धरना स्थल पे जो डटे हुए हैं, इस तरह के रवैया को देख करके सरकार को भी हम लोग विवश कर देंगे और हम लोग अपना मांग मंगवा करके ही रहेंगे।
चलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम साबोर्णा भट्टाचार्य है। कहाँ से? यहाँ पे मेरा ससुराल है पटना में। चलिए चलिए, अब कितना जगह फॉर्म अप्लाई किए होंगे? ज़्यादा तो नहीं, 100 100 जगह इन्होंने अप्लाई किया। आप एक एवरेज लगाइए, करीब 50,000 रुपये लगभग अभ्यर्थियों से बात करके मैंने देखा हुआ है, करीब 50,000 रुपये सबका खर्च हुआ है और 3 महीने तक इन्होंने जो है लगातार फॉर्म भरे। आइए कुछ अभ्यर्थियों से और बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? हरे राम मंडल, दरभंगा बहेरी प्रखंड। देखिए दरभंगा से आए हैं और आप कितने जगह फॉर्म अप्लाई किए हैं? 200 से 250 जगह। लगता है सरकार मानेगी? मान जाना चाहिए और उनके पास समझ हो तो मान, तो हम लोग ऐसे ही धरना पर रहेंगे, नहीं उठेंगे। देखिए इनका जवाब देखिए, ये उठने का तो कोई सवाल ही नहीं है, शिक्षक भर्ती का यही कहना है कि सरकार तो मानेगी और जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक ये उठेंगे नहीं सड़कों से। ये दरभंगा से आए हैं, सोचिए कितना दूर से चल कर करके आए हैं, इनके अंदर कितना जोश है। ये भीख मांगने नहीं आए हैं, ये तमाम शिक्षक भर्ती अपने हक को मांगने आए हैं, उनके हर्ताएं को रखते हैं, एनसीटी के सभी मानकों पे खड़े उतरे हुए हैं तभी आए हैं। आपका सर नाम क्या है? फणीन्द्र चतुर्वेदी, पश्चिमी चंपारण। आप 10 दिन से हो गया ये धरना प्रदर्शन का धरना दिया, जी जी बिल्कुल, कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? बिल्कुल, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इनसे मनवा लेंगे, जब तक ये काउंसलिंग का डेट जारी नहीं करेंगे हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। संजय कुमार गुप्ता। तो आपको लगता है ये सरकार आज 10वां दिन है तो सार्थक वार्ता होगी, उम्मीद है? हमको तो लगता है कि आज कुछ अच्छा परिणाम निकलेगा सरकार मानेगी। देखिए आज भी मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थी है, उम्मीद रखते हैं इसलिए क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार के मालिक है, तो उम्मीद तो उन्हीं से होगी, इसलिए उम्मीद रखते हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो है। आइए कुछ और अभ्यर्थियों से उधर बात करते हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? हम चंपारण से आए हैं। चंपारण से? क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार, चंपारण जिला अध्यक्ष भी हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये 10वां दिन है सर, कुछ लगता है सार्थक वार्ता हो पाएगी? बिल्कुल सार्थक वार्ता होगी और जब तक ये वार्ता नहीं होगी हम लोग यहीं रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को अपना जान क्यों ना गंवाना पड़े, लेकिन हम लोग इस ठंड में हैं तो हैं रहेंगे और सरकार को हमारी बातें किसी भी हाल में हमसे बैठ के वार्ता करनी पड़ेगी और ओपन कैंप की जो मांग है हमारी वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक ही मांग है ओपन कैंप किया जाए, सबकी नियुक्ति की जाए, क्योंकि ये सभी बच्चे जो अहर्ता है पूर्ण है और इनकी जो लिस्ट है वो फाइनल बन चुकी है, तो सिर्फ इनको चिट्ठी की आवश्यकता है और सरकार को देने में क्या हर्ज है? देखिए इनका कहना है, इनका सिर्फ 2 मांग है, ओपन कैंप के जरिए बहाली हो, योगदान करा के सर्टिफिकेट जांच किया जाए, ये भाई साहब हैं 2 मांग कर रहे हैं। देखिए चंपारण से चल के आए हैं, चंपारण इतना दूर से चल कर करके आए हैं और इनका कहना हम उठेंगे नहीं जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी। आप जो स्लोगन दिखा रहे थे आपका नाम क्या होगा? सौमित्र नाम है, औरंगाबाद। हाँ तो आप सरकार से तो काफी उम्मीदें हैं? बिल्कुल, क्योंकि 2017 से आप इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सरकार आज वार्ता आपको मानेगी? आज नहीं कल मानेगी, लेकिन सरकार को मानना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे हक की मांग है ये। बिल्कुल, देखिए ये हक है शिक्षक अभ्यर्थियों का। योगेश जी आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? जी हम खैरा जिला से आए हुए हैं, सरकार से तो यही कहेंगे कि आप हम लोग बिना कैंप और काउंसलिंग का डेट लेकर के नहीं जाएंगे। एकदम मांगेंगे, निश्चित मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे, हमारी एकता के सामने उसे झुकना ही पड़ेगा। उसे हम 2 लाइन कहना चाहेंगे कि कैंप पर काउंसलिंग का डेट ले करके ही घर अब जाएंगे, कैंप पर काउंसलिंग का डेट ले करके ही घर अब जाएंगे, कि इतने नहीं कमजोर है जो लाठी से हम डर जाएंगे, इतने नहीं कमजोर है जो लाठी से हम डर जाएंगे। और भी बहुत आशाएं हैं सरकार से, हम पहले बात को मनाना चाह रहे हैं, अगर मान जाते हैं ठीक, नहीं तो हम आर की और पार की मूड में है इस बार। ये योगेश जी खगड़िया से हैं और अपने गीत के जरिए सरकार को बताती हैं। कैसे हैं भाई? बस नहीं, ट्रेन से आए हुए, ट्रेन से आए हुए हैं, बहुत दिक्कत। अच्छा बोलिए, हम शिक्षक अभ्यर्थी हैं और चंपारण जिला से आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि सरकार टाल मटोल ना कर कर काउंसलिंग कैंप काउंसलिंग ओपन कैंप काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करे और हम लोग का स्कूल में योगदान करे हम लोग को, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसके लिए एक पोर्टल बनाकर जांच की जाए। और मैं सरकार नीतीश जी से यही कहूँगा कि कृपा करी नीतीश जी, कृपा करी नीतीश जी,
कृपा करहि नीतीश जी असरा लगौले बानी, कृपा करहि नीतीश जी अपन काउंसलिंग के डेट जारी करी, कृपा करहि नीतीश जी असरा लगौले बानी। बहुत बढ़िया, देखिए शिक्षक अभ्यर्थी हैं ये अपनी गीत के जरिए सरकार को बता रहे हैं कि नहीं हमारी मांग तो आपको माननी ही पड़ेगी, जब तक आप मानते नहीं हैं तब तक यहाँ से हम जाएंगे नहीं। और देखिए झकास भारत देख रहे हैं आप, और तमाम श्रोताओं को, देखने वाले लोगों को, सुनने वाले लोगों को जिनको पसंद है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सबारे पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए शिक्षक अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे और ये तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों का जो जवाब था सरकार तक जरूर पहुँचाएगी, हम अपने जवाब को सरकार तक पहुँचाने में कामयाब जरूर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।